रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। मैं बख्तर रहमान शेर शफदार से। ये कुशन कवर है और इसका तकिया भी है बीच में। तो ये लाट तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन जो भाई मंगाएगा तो कम से कम 2,000 पीस मंगाएगा, या कम से कम 200 300 किलो या 400 किलो, क्योंकि रेट इसका इतना नहीं है। और ये चेक करें, मैं आपको कुछ पीस चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये रिबिन लगा हुआ है इसका, और जोड़ी इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पूरा लाट जो लेगा उस भाई के लिए फ़ायदा ये कि सारा एक साथ आ जाएगा। ये देखे, हाथ का काम भी हुआ है और ये माल भी देखे। रेट भी बता देता हूँ, और आपको दूसरा ये भी बता देता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा पूरे स्क्रीन पे आपको, वीडियो का आखिर तक उस पर रब्ता कर लिया करें। ये मेरे भाई पर पीस के हिसाब से लोगे तो 10 रुपये दाना पड़ेगा, अगर किलो के हिसाब से लोगे तो। पहले मैंने शॉर्ट में वीडियो थोड़ा रेट ज़्यादा बता दिया था, अगर ज़्यादा ख़रीदारी करोगे तो आपको 150 रुपये का लगा दूंगा किलो, जिस हिसाब से भी आपको समझ आए। अगर दाने के हिसाब से लोगे तो कम से कम 2,000 दाने लेने पड़ेंगे ये, ठीक है। ये चेक करें, ये कढ़ाई वाला माल भी इसमें है, सादा भी है, मुख्तलिफ कार्टन में भी है, फैंसी में भी है, शनील में भी है। और ये चेक करें, नीचे शनील के पीस हैं जैसे, ये हैं, तो सारा मुख्तलिफ है, ठीक है। और कोशिश ये क्या करें कि मेहरबानी करें वीडियो पूरी देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, साथ में जो है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तरतीब से मिलता रहेगा। तो ये चेक करें, सही है, ये देखें फैंसी में भी, ये चेक करें। बाकी लाट तो बहुत बड़ी है, नहीं खैर गिर जाएगी ना, ऊपर मैं इस पर चढ़ सकता हूँ क्योंकि बहुत हाइट पे मैं वैसे ऑलरेडी इस लाट पे आया हूँ। तो ये चेक करें, रेट भी मैंने आपको बता दिया और तादाद भी बता दिया कि मतलब कम से कम कितना आप उठा सकते हो। ये चेक करें तो ये पीछे से बहुत ज़्यादा बड़ी लाट है। कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा आप उठाओगे आपके लिए भी फ़ायदा और हमारा भी इधर बोझ कम होगा, ठीक है। ये चेक कर ले, इस तरह के भी बीच में हैं, मतलब खूबसूरत दाने, ये चेक करें, ठीक है, मतलब अच्छा फैंसी काम हुआ हुआ है। ये चेक करें इसका नीचे का, ये देखें, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको दिखाने का मकसद है कि लाट रो एक तो न इसका 10% हिस्सा भी में, ये देखे इसका ऊपर का जो इसका तकिया था उसका एक ये नीचे पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हाइट पे हो जाएगा, तो फिर नहीं हो सकता इस तरह, क्योंकि मिक्स रखा हुआ है। ये देखें जो जोड़ी सामने नज़र आ रहा है, ये बाकी सारे सत्ते करके लगाया हुआ ताकि गिरे नहीं। ये बड़ा तकिया भी है बीच में, कुशन कवर भी है, मुख्तलिफ है, और ये इलास्टिक चादर भी है, ठीक है। इसका काटन में भी पड़ा हुआ है और ये गर्म में भी है, जो रबड़ी कपड़ा होता है इसका, ठीक है। डबल सिंगल मिक्स है, अमेरिकन भी है और जर्मनी भी है, दोनों पड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा, और ये मैंने आपको मेन मकसद दिया था कि ये तकिए का सिर्फ लाट दिखाना था, सही है। इसका मैं प्लास्टिक चादर का आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें, सारा माशाल्लाह फिनिशिंग वाला माल है, चमक वाला माल है, ये देखें। और दूसरी बात यार, ये दिमाग में रखें, मेहरबानी करें, ये लंडे है, ठीक है। इसमें ये जैसे कुछ पीसे आपको नए भी मिलेंगे, कुछ इस्तेमाल शुदा, जैसे ये देखें 1 किलो लिखा हुआ है, तो नए पीसे मतलब ये यूज़ नहीं हुआ है, तो इसका सोच आपने नहीं रखने के, सारा में इस तरह मिलेगा, ठीक है। ये दिमाग में रख दे कि भाई हम लंडा मंगा रहे, तो लंडे का काम जो जानते हैं वही इस चीज़ में हाथ डाले। आप लोग से हर दफ़ा वीडियो में यही जिक्र हो रहा होता है कि वीडियो पूरी देखा कर, उसके वजूहत ये होते हैं कि अगर कोई नया भाई होता है उसको चलो पूरी तफसील समझ आ जाती है। लोग क्या करते हैं 15-20 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, तो उसमें फिर समझ उनका भी नहीं आ रहा होता और हमें भी फिर समझाने समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं, हर चीज़ आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा,
हाउस होल्ड के हवाले से जो भी घरेलू इस्तेमाल अशिया, कंबल हो गए, पर्दे हो गए, सादे कंबल, एसी कंबल, कट पीस, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और बस ये वीडियो का अख्तिताम कर देता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। असल में वीडियो मेन मकसद ये था, सिर्फ आप लोगों को कुछ पीस दिखाया, बाकी आप लोग से हम कलाम होकर बात करना था कि मैं आप लोग से खुल के बात करूँ, और इसकी वजूहत ये थी कि आप लोग के लिए भी आसानी और हमारे लिए भी। दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत कर देता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।